जय श्री कृष्ण दोस्तों। जितने चमत्कारी हैं भगवान शिव, उससे कई ज़्यादा चमत्कारी हैं दुनिया भर के शिव मंदिर और शिवालय। भगवान शिव के चमत्कारी मंदिरों का जब भी जिक्र होता है, झारखंड के शिव मंदिर का नाम जरूर आता है। टूटी झरना मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे होता है, और यह अभिषेक कोई और नहीं स्वयं माँ गंगा करती हैं। यह पूजा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर मांगी हर मुराद पूरी होती है। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक ऐसा रहस्यमय शिव मंदिर है जिसके बारे में जानने के बाद हर श्रद्धालु इस मंदिर में एक बार जाना जरूर चाहता है और भगवान के दर्शन की इच्छा जरूर रखता है। यूं तो भगवान शिव को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ आज भी भगवान के चमत्कार लोगों को साफ नजर आते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास 1925 से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि अंग्रेज इस इलाके से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पानी के लिए खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुंबदनुमा चीज दिखाई पड़ी। अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए पूरी खुदाई करवाई और अंत में यह मंदिर पूरी तरह से नजर आया। मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली। अपने आप शिवलिंग पर गिर रहे जल को देखकर एक बार अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उस समय जब इस मंदिर की जानकारी दूसरे अंग्रेजों को हुई और उन्होंने यहाँ होने वाले चमत्कार को अपनी आँखों से देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे में भगवान के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि इस मंदिर की कहानी दूर दूर तक प्रचलित हो गई है और दिनों दिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रामगढ़ में स्थित इस शिव मंदिर को प्राचीन मंदिर टूटी झरना के नाम से जानते हैं। मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर अपने आप 24 घंटे जल अभिषेक होता रहता है। खास बात तो ये है कि जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि खुद माँ गंगा स्वयं अपनी हथेली से करती है। माना जाता है कि इस जलाभिषेक की जानकारी पुराणों में भी मिलती है। दरअसल शिवलिंग के ऊपर माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित है, जिनकी नाभि से अपने आप पानी की धारा उनकी हथेलियों से होती हुई शिवलिंग पर गिरती है। पर आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस पानी का स्रोत कहाँ है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। अब हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली लेकिन एक सच्ची घटना। दोस्तों, यहां लगाए 2 हैंडपंप भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। यहां लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसमें से हमेशा अपने आप पानी नीचे गिरता रहता है। वहीं मंदिर के पास से ही एक नदी गुजरती है जो सूखी हुई है, लेकिन भीषण गर्मी में भी इस हैंडपंप से पानी लगातार निकलता रहता है। जबकि इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के हैंडपंप्स के साथ ऐसा नहीं है, वहां आपको हैंडपंप चलाना पड़ता है। दोस्तों, लोग दूर दूर से यहां पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि टूटी झरना में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप का दर्शन कर लेता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। भक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं। इसे ग्रहण कर लेने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। तो दोस्तों, यह था देवों के देव महादेव के अनेकों चमत्कारी मंदिरों में से एक। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।